मैं हूं धीरेन शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपना बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो चल नहीं रहा है, आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं, तो सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्या करें, क्योंकि आजकल जो टाइम है वो ऑनलाइन का है और आज के टाइम में ऑफलाइन सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। आज की जो यंग जनरेशन है उसको आप देखेंगे तो सब ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है क्यों ना हम अपना बिजनेस ऑनलाइन करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप फ्लिपकार्ट पर अकाउंट बना के, सेलर अकाउंट बना के किस तरह से वहां पर अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो है वो है पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड आपका होना चाहिए। जो सेकंड है वो है जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बुक्स सेल करते हैं तो जीएसटी नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो अमेजन है या फ्लिपकार्ट है। इसके अलावा आपकी बैंक की पासबुक होनी चाहिए, तो बैंक की पासबुक में जो भी पेमेंट आएगा वो उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा एक बैंक की कैंसिल जो चेक है वो उसकी आपकी कॉपी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो कन्फर्म करेंगे कि आपका अकाउंट है। इसके अलावा एक है एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये कुछ भी दे सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपका अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन बताऊंगा कि किस तरह से आप अकाउंट बना के और अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं किस तरह से हम फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे सबसे नीचे, तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सेल ऑन फ्लिपकार्ट का ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट seller.flipkart.com जो इनकी वेबसाइट है यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ देखिए बिकम ए सेलर ऑन इंडियाज बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ठीक है अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पैनल खुल जाएगा, क्रिएट योर सेलर अकाउंट, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ओटीपी मिलेगा फोन पे वो आपको डालना है। एंटर फुल नेम, यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए और यहाँ पे अपना पासवर्ड जो आप लॉग इन कर लीजिए। और ये आपका जैसे करेंगे, अब ये देखिए आप पैनल, यहाँ पे लिखा गिव योर पिकअप एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, एंटर पिकअप पिन कोड जहां से आपका पिकअप होगा। तो मैं जयपुर से हूं तो मैंने अपना डाला और वेरीफाई कर दिया, ये देखिए ये बता दिया, ग्रेट, ये कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको पिकअप एड्रेस डालना है, और कंटिन्यू करना है। अगर आपके पास जीएसटी है तो ये देखिए यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है। अगर आप केवल बुक्स सेल कर रहे हैं तो मैंने बताया था आपको कि जीएसटी नंबर की कोई जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बिजनेस नेम, पेन नंबर, आपका बिजनेस टाइप, आपका प्रोप्राइटर या कंपनी है वो आपको डालना है। यहाँ पे अपना बिजनेस एड्रेस डालना है, पिन कोड जयपुर, और जो भी आपका है यहाँ पे सिक्योरिटी। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पे, और इनकी 20 MB से ज्यादा इसकी साइज नहीं होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी, पीडीएफ में आप डाल सकते हैं। और यहाँ देखिए आपका सिग्नेचर साइन करके आप उसका, इसकी भी साइज सेम होनी चाहिए और ये भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप ये देखिए आइकॉन ऑप्शन, आई हैव अप्लाइड, विल अप्लाई फॉर ए जीएसटीएन, तो अगर आप बाद में करेंगे या फिर अप्लाई कर दिया है आपने तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालनी है, एंटर अकाउंट होल्डर्स नेम, यहाँ पे आपने बैंक डिटेल डाली, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड, यहाँ पे अपना बैंक का, नहीं पता तो ये डिटेल डालनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा आप यहाँ कैंसिल चेक यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, इसकी भी साइज 20 MB होनी चाहिए, देखिए वो जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ से नहीं कर रहे तो आप अंदर भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहे,
इस पे आप टिक कर दिया, कंटिन्यू कर दीजिए। ये देखिए, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पैनल खुल गया है, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे राइट हैंड में, देखिए यार 20% यहाँ पे आपका दे रखा है, 20% यहाँ पे आपको दे रखा है। जैसे ही आप अपना ईमेल से यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो ये आपका 30% हो जाएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे आप तो जीएसटी नंबर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इसको आप अपलोड नाउ पे क्लिक करके यहाँ जीएसटी नंबर, आपको अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, सिग्नेचर, चेक और ईमेल आपको वेरीफाई करना है। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। स्टोर डिटेल्स में आपको एंटर डिस्प्ले नेम के अंदर यहाँ पे स्टोर की डिटेल डालनी है। जैसे सपोज कीजिए आपका सिद्धि विनायक स्टोर आपका नाम है, तो सिद्धि विनायक स्टोर आप यहाँ दे सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या आप सेल कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, स्टोर के बारे में सेव कर देना। इसके अलावा बिजनेस डिटेल में अपना जीएसटी नंबर वेरीफाई करवाना है, सिग्नेचर यहाँ डालना है और यहाँ कैंसिल चेक, ये देखिए प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको कैंसिल चेक, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, इस तरह से अपलोड करना है। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की यहाँ लिस्ट करना है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। और ये ईमेल वेरिफिकेशन का आ गया। तो दोस्तों इस तरह से ये सारा होगा, ये करने के बाद में आपका जो अकाउंट है वो पूरा हो जाएगा डिटेल्स। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा ऑलरेडी, ये देखिए 30% मैंने मेरे से जैसे किया, 30% कंप्लीट हो गया। अब मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है सेलर का, ये देखिए इस तरह से। तो इसमें मेरी लिस्टिंग भी यहाँ पे शो कर रही है और यहाँ पे देखिए मेरी आज की सेल है, ये सब इस तरह से है। तो मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप लिस्टिंग ऐड करते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पता लगे लिस्टिंग किस तरह से करते हैं, ऑर्डर्स कहाँ चेक करते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा, एक्टिव ऑर्डर्स कौन से है, इस तरह से डिस्पैच करते हैं क्या प्रोसीजर। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। आने वाले जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करके साथ साथ आपको हमारा चैनल टेक्निकल टॉक जो है उसको सब्सक्राइब भी करना है अगर अभी तक नहीं किया है, और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करनी है ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।